हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, एक खबर निकल कर आ रही है। खबर यह है कि बीटेक वाले कैंडिडेट अब नहीं बन पाएंगे जूनियर इंजीनियर। क्या खबर है, खबर के विस्तार से देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलते रहे। देखिए, खबर यह है पेपर कटिंग के माध्यम से यूपी की तरफ से निकल कर आ रहा है इलाहाबाद प्रयागराज। देख रहे हैं आप कि डिप्लोमा और डिग्री समान योग्यता नहीं। यहाँ पर लिखा है कि परिवहन विभाग में उच्च योग्यता धारकों को निम्न योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मतलब उच्च योग्यता धारकों को निम्न योग्यता धारकों वालों को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। मतलब कि जो डिप्लोमा पर वैकेंसी निकलती है वो बीटेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। ये कहना है अलाहाबाद हाई कोर्ट का। विस्तार से खबर को देखिए, यहाँ पर लिखा है अलाहाबाद हाई कोर्ट ने परिवहन विभाग में क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर बीटेक डिग्री वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल करने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी है। मतलब जो बीटेक वाले कैंडिडेट ने केस किया था कि हमें भी परिवहन विभाग में तकनीकी पद पर नियुक्ति के लिए किया जाए, ठीक है, मांग किए थे वो लोग, लेकिन अलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि उच्च योग्यता धारकों को निम्न योग्यता धारकों वालों को पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पद की योग्यता निर्धारण करना नियोक्ता का अधिकार है। मतलब जो आयोग है या विभाग है उसको अधिकार है कि उस शैक्षणिक योग्यता क्या रखे, ठीक है। आगे देखिए, कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बीटेक डिग्री और डिप्लोमा एक समान नहीं है, ठीक है, दोनों भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं। इस मामले में डिग्री को डिप्लोमा से तुलना किए बिना उच्च योग्यता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैधानिक नियम के अभाव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता कि उच्च योग्यता वाले निम्न योग्यता वाले का स्थान ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। मतलब कि उच्च योग्यता वाले निम्न योग्यता धारकों से बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप मैट्रिक किए, ठीक है, आप सबसे पहले मैट्रिक किए। मैट्रिक के बाद दो रास्ते खुलते हैं, ये है मैट्रिक, ठीक है। मैट्रिक के बाद दो रास्ते खुलते हैं, एक रास्ते इधर चला जाता है ट्वेल्थ की ओर और एक रास्ते इधर चला जाता है डिप्लोमा की ओर, मतलब डिप्लोमा की ओर, डी से डिप्लोमा, ठीक है। और ट्वेल्थ के बाद यहाँ पर रास्ता जाता है क्या, बीटेक, क्या जाता है, बीटेक। यहाँ पर बीटेक कर सकते हैं और डिप्लोमा के बाद आप कर सकते हैं बीटेक, ठीक है, डिप्लोमा के बाद आप कर सकते हैं बीटेक। तो देखिए, यहाँ से टेंथ से रास्ता चेंज हो गया, रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता इधर चला गया, ठीक है। इधर से आप बीटेक किए और इधर से आप डिप्लोमा किए, तो डिप्लोमा पर जो वैकेंसी निकलेगी वो बीटेक वाले नहीं भर पाएंगे क्योंकि बीटेक का रास्ता इधर से गया है। अगर बीटेक इधर से किए हुए रहते, इधर से किए हुए रहते बीटेक, इधर से इस रास्ते से, तो वहाँ पर एलिजिबल थे, लेकिन उनका मैट्रिक के बाद रास्ता चेंज हो गया, ऐसे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो डिप्लोमा पर जो भी फॉर्म आएंगे उसके लिए बीटेक वाले एलिजिबल नहीं होंगे, बस यही है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है कि कोर्ट ने कहा कि किसी पद के लिए योग्यता का निर्धारण करना नियोक्ता का अधिकार है और यह नीतिगत मामला है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो पद का योग्यता का निर्धारण करना है, शैक्षणिक योग्यता का जो निर्धारण करेगा, यो नियोक्ता ही कर सकता है। मतलब जो वैकेंसी निकालती है, आयोग हो, विभाग हो या कोई भी हो, ठीक है, तो उसका मूल अधिकार है कि अपना शैक्षणिक योग्यता रखे कि हमको मैक्सिमम या मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्या रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लिखा है कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने अभिषेक शर्मा व अन्य सहित दर्जनों याचिकाओं को खारिज करते हुए कर दिया। याचिकाओं को यहाँ पर देखिए, याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया। याचिका की ओर से कहा गया कि क्षेत्रीय निरीक्षक पद के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता की मांग की गई है, जबकि याचिका बीटेक डिग्री धारक उच्च योग्यता होने के बावजूद उन्हें नियुक्ति में शामिल नहीं किया जा रहा है। यह भी कहा गया कि
केंद्र सरकार के कानून व राज्य कानून में न्यूनतम योग्यता को लेकर असमानता है। मतलब यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में काफ़ी असमानता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि केंद्र के 3 दशक से अधिक पुराने कानून में अब तक न्यूनतम योग्यता में उच्च योग्यता को शामिल नहीं किया गया। मतलब लगभग 30 साल हो गया और न्यूनतम योग्यता में उच्चतम योग्यता शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार का पुराने कानून है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि लिखा गया है कि ऐसे में केंद्र और राज्य के नियमों में असमानता की बात स्वीकार नहीं है। याचिका का विरोध कर रहे अधिवक्ता सुनील यादव व अन्य वकील का कहना था कि यह मामला हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ के दीपक सिंह के केस के निर्णय से पूरी तरह आच्छादित है। पहले जो केस था उसके रिगार्डिंग बोला जा रहा है, ठीक है, जिसमें डिप्लोमा वाले पदों पर डिग्री धारक की नियुक्ति को सही नहीं माना गया। मतलब जो डिप्लोमा के पद पर जो वैकेंसी निकलती है उस पर डिग्री बीटेक धारकों की नियुक्ति को सही नहीं माना जाता, ठीक है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो डिप्लोमा पर वैकेंसी निकलेगी वो बीटेक वाले कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी पद की योग्यता निर्धारण करना नियोक्ता का अधिकार है। सबसे बड़ी बात है कि नियोक्ता का अधिकार है कि योग्यता किस प्रकार रखे, शैक्षणिक योग्यता मिनिमम या मैक्सिमम क्या रखे, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है कि परिवहन विभाग में क्षेत्रीय निरीक्षक तकनीकी के पद पर डिग्री धारक की नियुक्ति की मांग खारिज कर दिया गया, ठीक है। और जो बिहार में पहले हर जगह होता था, डिप्लोमा पर जो वैकेंसी निकलती थी बीटेक वाले अप्लाई करते थे, लेकिन अब बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कि बीटेक को अलाउ नहीं करते हैं डिप्लोमा के बेस पर जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है। और बहुत सारे स्टेट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अभी करते हैं, एसएससी और रेलवे में करते हैं, ठीक है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट में भी नहीं करती है। चूँकि 18 में जो BS PSCL JEE का बहाली निकला था उसमें उसी के बहाली के तर्ज पर हाईकोर्ट में दाखिल हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से बीटेक वाले लोग पटना हाईकोर्ट से हार गए और उनको एलिजिबल नहीं किया गया BS PSCL JEE में, ठीक है। तो उसके बाद से बिहार में भी बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब हमें उम्मीद लगता है कि डिप्लोमा के पद पर जो भी वैकेंसी आएगी बीटेक वाले कभी भी एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे मिलती जुलती अलग अलग तरह के मामले हाईकोर्ट के द्वारा पेश किए जा रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इस तरह की खबर थी, खबर आपको बता दिए। खबर कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का न्यूज़ आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।